कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग जस्ट फाइन। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ योर बाइक इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो आपकी जो बाइक है वो काफ़ी टाइम से एक ही स्पॉट पे पार्क होगी, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। सो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक फ्यू DIY टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम अभी आपको बताएंगे, जिससे आप इजीली अपनी बाइक को मेंटेन कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। इससे होगा यह कि लॉकडाउन के बाद अगर आपको अपनी बाइक यूज़ करनी है तो आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, योर बाइक विल रन एब्सोल्युटली फाइन। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले अपनी बाइक को वॉश करेंगे, देन चेन क्लीन करेंगे, चेन ल्यूब करेंगे एंड बाकी के जो चीज़ें हैं जो जिनको चेक करना है उनको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ फ्यू थिंग्स जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, बट आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमको आदत है अपने बाइक्स का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने का, सो हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ आई यूज़ दिस प्योटोलिन टेक चेन ल्यूब, ये चेन ल्यूबिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आई यूज़ दिस डिग्रीजर फॉर चेन क्लीनिंग। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं चेन को, जस्ट लाइक दिस, कोई भी गंदा पुराना कपड़ा, इससे आप अपना चेन साफ़ कर सकते हैं। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चेन ल्यूब कर रहे हैं तो उससे पहले आप चेन साफ़ कर लीजिए। आप केरोसिन भी यूज़ कर सकते हैं या डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, बट डीजल से अच्छा है कि आप केरोसिन यूज़ कीजिए। अगर नहीं है तो फिर सिर्फ वॉश करके उसको कपड़ों से साफ़ कर दीजिए। वैक्स पॉलिश जो कि हम पल्सर में यूज़ करेंगे, एक एंटी रस्ट स्प्रे है ये, जहाँ जहाँ पे रस्टिंग हो रही है बॉडी में वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। आई ऑल्सो यूज़ दीज STP के पावर बूस्टर और ये है मोटर बूस्टर। दिस इज़ बेसिकली फॉर FI बाइक्स, बट मेरे डोमिनार अभी है नहीं यहाँ पे, सो आई वॉन्ट बी नीडिंग दिस। ये हम बस रेफरेंस के लिए रखें कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सब एक्स्ट्रा केयर में आता है। एंड हम ये यूज़ करेंगे अभी पल्सर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव कार्बन डिपॉजिट्स फ्रॉम द कार्बोरेटर इंजेक्टर एंड वाल्व्स। सो ये हम अभी यूज़ करेंगे क्योंकि बाइक बहुत दिन से पड़ी हुई है। एक और चीज़ वो है कूलेंट, आपके बाइक में जिस भी ब्रांड का कूलेंट है अगर आपके पास बचा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में उसको टॉपअप करा सकते हैं, बट दिस ऑल्सो कम्स अंडर मेंटेनेंस। तो आप एक बार चेक कर लीजिए उसका लेवल कि उसमें कूलेंट है या नहीं बिफोर स्टार्टिंग योर बाइक या बिफोर टेकिंग इट आउट। आई ऑल्सो यूज़ द जी रोलर, ये हमको चेन ल्यूबिंग में काम आता है। एंड ये है एक मल्टीपर्पज़ स्प्रेयर, सो बेसिकली ये एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ होता है, बट इसको हम एज अ फोम गन यूज़ करते हैं फोम स्प्रे वॉश करने के लिए। नेक्स्ट आई यूज़ दिस लिक्विड डिटर्जेंट, क्योंकि मेरे पास 3M का शैम्पू अभी ख़त्म हो गया है, कार और बाइक वॉश जो होता है, सो आई विल बी यूजिंग दिस। और यू कैन यूज़ एनी माइल्ड शैम्पू, सर्फ नहीं यूज़ करना है, सर्फ से पेंट ख़राब होता है। एंड कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि आई विल बी यूजिंग दिस ग्लव्स, उनको पहन के हम बाइक वॉश या चेन क्लीन वगैरह करेंगे। एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस कार्डबोर्ड, एनी कार्डबोर्ड विल डू, इसको हम बताएंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं। वॉश करने के बाद जो है आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ चाहिए होगा, एक ड्राइंग क्लॉथ चाहिए होगा एंड एक कपड़ा जो हम आपको पहले दिखाए थे, दिस इज़ फॉर चेन क्लीनिंग एंड ऑल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप जा रहे हैं बाइक को यूज़ कर रहे हैं, बाइक को टच कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू कीप सैनिटाइजर विथ यू। आप टाइम टू टाइम अपना हाथ सैनिटाइज करो क्योंकि अभी ऐसे टाइम्स में क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो यार, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कैसे आप अपने बाइक को मेंटेन कर सकते हैं इजीली। ये रही मेरी पल्सर, इसको हमने ऐसा इसलिए खड़ा किया है सीधा करके क्योंकि मेरे पास पैडक स्टैंड नहीं है, सो हम इस वॉल का सपोर्ट लिए हैं बाइक को सीधा खड़े रखने के लिए। इससे होता यह है कि आपके टायर पे वेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड इंजन ऑयल भी जो है वो सिर्फ इस एरिया के बजाय नीचे पूरा बॉटम एरिया पे इक्वली रहता है। अब इसको ले चलते हैं बाहर एंड इसको वॉश करेंगे हम लोग। अगर आप वॉश नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर आप स्टार्ट करने के बाद जो है अपने हाथों को सैनिटाइज करें अच्छे से। एक बार पानी हम लोगों ने मार लिया है, करेंगे फोम वॉश।
तो बेसिकली आपको करना यही है, डिवीजर या केरोसिन मार के आप उसको ऐसा पुराना राइक से अपना चेन क्लीन कर सकते हो। वॉश हो गया है, अब करते हैं इसको ड्राई। सो, अब जो है फिर से हम चेन को वाइप डाउन करेंगे। तो लेते हैं पुराना कपड़ा, चेन लूप करने से पहले एक बार प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं हम लोग। तो लॉकडाउन से पहले हम अपना चेन क्लीन करके ही रखे थे बाइक को, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं सो मेक श्योर आप टायर को उल्टा घुमाइए, नहीं तो इस डायरेक्शन में घुमाइएगा तो रिस्क रहता है आपका फिंगर यहाँ पर आके स्प्रॉकेट में अटकने का। सो चेन हो गया है ऑलमोस्ट साफ, अब करते हैं लूप। सो यहाँ पे ये कार्डबोर्ड काम आता है, आप इसको ऐसे स्प्रॉकेट के पीछे डालिए, ब्रेकर बॉटल को थोड़ा सा शेक कीजिए एंड लूप करना चालू कीजिए, इससे होगा ये पीछे रिम्स पे ये नहीं पड़ेगा। सेम टेक्निक आप वहाँ भी यूज़ कीजिए। तो बाइक वॉश भी हो गई है, चेन क्लीन एंड ल्यूब भी हो गया है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिफोर वी स्टार्ट द बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग एक बार अपना टैंक खोल के थोड़ा सा बाइक को शेक कीजिए, चाहे आपकी बाइक FI हो या कार्बोरेटर, कभी कभी अंदर गैस बन जाता है। सो मेक श्योर यू ओपन द गैस कैप एंड शेक द बाइक अ लिटिल बिट। अगर कार्बोरेटर बाइक है आपके पास सो मेक श्योर ये जो पाइप होता है इसको आप निकालो एक बार बाहर एंड इसको एक बार ऑन करो, ताकि यहाँ पर अगर कोई कचरा जमा हुआ है तो वो भी निकल जाए। ट्रिक यही है कि हल्का सा इसको ऑन करके इसको आप इसमें फंसा लो तो गैस वैस जो है वो निकल जाएगा। धोने के बाद एक बार सारा स्पार्क प्लग का कैप को आप निकाल के एक बार इसको झाड़ दो, जितना भी अंदर का पानी या डस्ट है वो निकल जाएगा। अपनी बाइक वॉश नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन करने से पहले आप ऐसे 3-4 बार बाइक को आगे पीछे करो, ताकि अगर कोई फ्लैट स्पॉट रहे टायर में तो वो इवन हो जाए। अब जो है इसको स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, सो स्टार्ट जब आपको करना है तो मेक श्योर कि द बाइक इज इन स्ट्रेट पोजीशन, साइड स्टैंड में आपको ऑन नहीं करना है। करते के साथ ही आपको रेव नहीं करना है, आप इसको 2-3-4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम इसको वार्म अप होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग हल्का रेव करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा डालते हैं ये स्टीपी का मोटर बूस्टर, इससे कार्बोरेटर में अगर कुछ गंदा रहेगा तो वो साफ हो जाएगा। मेक श्योर आप थोड़ा सा डालिए एकदम थोड़ा सा, इसके पीछे दिया रहता है आपके टैंक में जितना पेट्रोल है उसके हिसाब से आपको पोर करना है। तो ये हम लोगों ने डाल के इसमें भी आप टैंक खोलें सो मेक श्योर ये एरिया आप साफ़ कीजिए, क्योंकि इस एरिया में बहुत बार क्या होता है डर्ट या ग्रीसी कुछ भी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि आपके पेट्रोल में मिक्स हो सकता है। सो मेक श्योर यू जेंटली एंड वेरी केयरफुली आप इसको साफ़ करें। जो है थोड़ा टाइम चेक कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो हम लोगों ने डाला है वो फ्यूल में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। वार्म अप हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, अब जो है इसको हम लोग रेस्ट किया है।
ज़्यादा रेव नहीं करते हैं, बाइक की आवाज़ थोड़ी लाउड है, बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है। तो वॉशिंग हो गई, चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब हो गया, वार्म अप हो गया बाइक। अब जो है नेक्स्ट स्टेप, आप चाहें तो आप बाइक को अपनी पॉलिश कर सकते हैं, जो कि हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन में ही इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनने वाला है अबाउट ऑल द मॉडिफिकेशन एंड उनकी कॉस्टिंग्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कवर लीजिए बाइक का तो प्रॉपरली एक बार झाड़िए, ताकि उसमें जो भी डस्ट रहे वो उसमें से निकल जाए। एंड देन फिर अपनी बाइक को आप कवर कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट जब भी आपको यूज करना हो अपनी बाइक, आप सिर्फ कवर हटाओ एंड यू आर ऑल गुड टू गो। अगर आपकी कार्बोरेटेड बाइक है, आपको स्टोर करना है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, मेक श्योर यू टर्न ऑफ द फ्यूल सिस्टम, इसको आप ऑफ कर दो ताकि इससे जो है फ्यूल लीकेज नहीं होगा। एंड हाँ, आप जब अपनी बाइक को स्टोर करो मेक श्योर कि वो स्टैंड स्टिल पोजिशन में खड़े रहे, ताकि अब जैसे ये साइड में है तो ये सारा वेट यहाँ पे इस साइड में पड़ रहा है, तो अगर ये स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो वेट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा एंड इंजन वायर भी जो है वो सेंटर में रहेगा। अभी हम इसलिए साइड स्टैंड में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको 2-3 दिन में इसका वीडियो बनाना है। अब जो है आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके या हो सके तो हैंड वॉश कर लीजिए प्रॉपरली। सो वी आर ऑल डन गाइज, चीज़ों को उनके दिमाग पर रख दिया जाए, इस टाइम पे हेल्प करता है ये सब। ये सब करने के बाद मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And make sure to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And अगर आपको कुछ भी question है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं, या you can DM me on Instagram. Link जो है मेरे profile का description में है. So make sure you follow me there. See you all in the next video. Bye bye. Take care. Stay home and stay safe. Ciao.